अर्शी, अर्शी आ गई। आओ बेटा। हाँ, वो मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी तब भाभी ने कॉल किया। कैसे हो नी? तुम यहाँ पे क्यों आई हो? What do you mean? अनी, अर्शी की आज दुबई की फ्लाइट है, फिर भी ये तुमसे मिलने आई है। और तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अनी, अर्शी जा रही है इसलिए बेटा तुम ऐसा बोल रहे हो ना? पर बेटा वो अपने काम के लिए जा रही है और काम भी तो बहुत जरूरी है ना, और हम सब है ना तुम्हारे लिए। बस 2 दिन की बात है, उसके बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा और तब तक अर्शी भी वापस आ जाएगी। प्लीज तुम गुस्सा मत करो। मैंने कब कहा कि मैं गुस्सा हूँ? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, ट्रस्ट मी। मैंने सुना तुम दवाई नहीं ले रहे हो, आओ मैं दे देती हूँ। छुओ मत मुझे। और अब ये रिएक्शन देख अनिका सभी चौंक जाते हैं। इतनी नफरत कैसे पनप रही है आज अनी में। अनी दूर हो मुझसे। आप लोगों ने इस इंसल्ट के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। नहीं अर्शी नहीं, he's not keeping well, please। नहीं नहीं अर्शी ऐसी बात नहीं है। देखो अनी के लिए दवाई लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दवाई ले ही नहीं रहा है। ना डॉक्टर की बात सुन रहा है ना नर्स की, ये किसी की भी सुन नहीं रहा है। किसने कहा मैं किसी की बात नहीं सुन रहा हूँ? मैं दवाई लेने के लिए रेडी हूँ, मना नहीं किया मैंने। तो फिर ले क्यों नहीं रहे? लो ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एक इंसान आकर मुझे दवाई दे। कौन? पर अनी जवाब नहीं देता। सबको मालूम है सब कुछ, पर अब भी अनजान बने हुए हैं। तो नहीं अर्शी, क्या है ना डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया, he is not keeping well, अभी भी रिकवर कर रहा है, तो they are figuring out। और बेटा सच कहूँ तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मुझे तो मेरा अनी पहचान में ही नहीं आ रहा है। आई अंडरस्टैंड तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी अनी बीमार है ना, इसलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। आंटी मेरे सवाल का जवाब अभी भी मुझे नहीं मिला है। अभी तक गेस नहीं कर पाए तुम मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तुम ही बता दो। और अब एक बार फिर से जहाँ अर्शी को ही खुश करने के चक्कर में अनी के बारे में कुछ भी कह गए माँ बाप, पर अब अनी। झनक 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 झनक। अर्शी बेटा इस नामने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। अर्शी बेटा प्लीज रिलैक्स, गुस्सा मत करो बेटा। मैंने कहा ना अनी बीमार है, इस वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। प्लीज तुम मुझसे। आप सब शांत हो जाइए प्लीज। मिस्टर अनिरुद्ध, ये नई नर्स आई हैं। इनको वैसे कोई मना नहीं करता, ये आपको दवाई देंगी, आप प्लीज। डॉक्टर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं क्या बोले जा रहा हूं? रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि नई नर्स लाके कोई फायदा नहीं है। देखो मेरे पास मत आओ, मैंने पहले भी कहा ना, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? तुम मेरे पास मत आओ। पर अब एकाएक अनी शांत हो गया। उसे झनक का एहसास नर्स के यूनिफॉर्म के पीछे भी समझ आ गया। दिल की धड़कन जो है वो। दवाई ले लीजिए। पर अब कहीं ना कहीं अर्शी को अनी की ये सब भी अब नौटंकी ही लगती है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब। पर तनुजा शुभो को मिलती है तसल्ली। थैंक गॉड बेटा तुमने दवाई ले ली। डॉक्टर, जब तक मेरा बेटा इस हॉस्पिटल में ना, अनी की सारी जिम्मेदारी अब इसी नर्स को दे दीजिए प्लीज। यस, डोंट वरी, ऐसा ही होगा। अब खुश हो तुम? हाँ। तो फिर झनक झनक करके मेरा दिमाग क्यों खा रहे थे? झनक कोई डॉक्टर है या कोई नर्स है जो आके तुम्हें दवाई देगी? लिसन अनी, अब इस नर्स से हम कह देंगे कि यही तुम्हारा ध्यान रखेगी, ओके? थैंक यू सो मच अर्शी। अनिरुद्ध, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज करके घर ले चलेंगे। दुर्गा पूजा आने वाली है, घर पे तैयारियां हो रही हैं, तुम्हारे बिना रौनक कहाँ लगेगी। सो गेट वेल सून। और अब अनी बिल्कुल शांत है, उसे जो चाहिए था वो तो उसके पास ही है, तो फिर अब कोई बहस नहीं। अनी बेटा, हम तो तुम्हें खोने वाले थे, बहुत मुश्किल से तुम्हें ये जिंदगी वापस मिली है, सो प्लीज अब अपनी लाइफ को तुम बर्बाद मत करना। आई थिंक यू शुड टेक रेस्ट नाउ, हमें चलना चाहिए। प्लीज टेक केयर। थैंक यू नर्स। आइए डॉक्टर। बाय अनी, मैं भी चलती हूँ, मुझे दुबई के लिए निकलना है। होपफुली जब तक मैं दुबई से वापस आऊंगी तब तक तुम भी पहले जैसे फिट हो जाओगे और फिर हम बात करेंगे। You please take care of him. झनक। और अब झनक भी चौंक जाती है कि अनी ने उसे आखिर कैसे बिना कुछ कहे भी पहचान ही लिया, जहां अब जाकर अनी को चैन आती है कि उसे झनक मिल गई। अब आगे क्या होता है यहाँ, जहां अर्शी भी दुबई जाने के लिए निकल तो गई है और अब झनक और अनी को कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, पर क्या ऐसा होगा ये देखने के लिए बने रहिए झनक की आने वाली सारी अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।